तो अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो बड़े टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी रेसिपी ढूंढने की कि जो हमारी बातों के साथ साथ 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, और आज मुझे लगता है हमने वो रेसिपी ढूंढ ली, एक ऐसी नॉनवेज रेसिपी जिसका वीडियो 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। जी हाँ, नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, बनाते हैं हरे मसाले वाला चिकन 10 मिनट के अंदर। इस बार हम करके दिखाएंगे। तो ये बड़ी सिंपल रेसिपी है। देखिए, इस सिंपल रेसिपी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है चंकी हिस्सा, एक हिस्सा है पेस्टी हिस्सा। तो जी पहले हम कर लेते हैं तैयारी चंकी हिस्से की। चंकी हिस्से के लिए आपको चाहिए अदरक, लहसुन और बादाम। ठीक है, ये मूंगफली नहीं है, बांग्ला में इसको चिन्ने बादाम, चिनर बादाम बोलते हैं। क्या ये बोलते हैं ना, चिन्ने बादाम है, चिनिया, हाँ तेरी साइड बोलते होंगे, सिलीगुड़ी से। हाँ, यही जाएगा कंटेंट में अब, ये कच्चा बादाम वाला। फिर 10 मिनट नहीं होंगे, पीछे से जो चल रहा है ना यही सब जाता है, मेरी गलती होती है, फिर 10 मिनट नहीं होते। बेसिकली चिनर बादाम बोलते हैं, यानी कि चाइनीज आमंड्स बोलते हैं मूँगफली को, है? तो हम लोग इज्जत नहीं देते, बट बंगाल में पूरी इज्जत दी जाती है मूँगफली को, इसलिए मैंने बोला बादाम। तो अभी अदरक, लहसुन और ये भगवान भला करे पिंटू उर्फ पीनट उर्फ चीने बादाम, चिनिया बादाम भी बोलते हैं। ये कैमरे के पीछे से जो आवाज़ आई थी पवन की, ये सिलीगुड़ी की तरफ से हैं, उस तरफ चिनिया बादाम बोलते होंगे। थोड़ा डायलेक्ट चेंज होता है जैसे आप ईस्ट ऑफ बंगाल जाते हैं। तो अब ये नमक, अब ये वाला पार्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जो है इसको बिल्कुल हमने ऐसा ही रखना है। और ये जो मूंगफली है उर्फ सिंगदाना उर्फ चीने बादाम, इसको लाइटली टोस्ट कर लिया है। तो बेसिकली जो अपनी सफ़ेद वाली मूंगफली आती है वो लेनी है, उसको हल्का सा टोस्ट करना है, तेल में भी या बगैर तेल के भी, डजंट रियली मैटर, पर वो कच्चापन जो होता है ना वो निकाल देना है। अब नमक क्यों डाला है तो सबको पता है, घर्षण के लिए। वाह, इस रेसिपी की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इस रेसिपी में सिर्फ एक ही काम करना है, और वह चिकन को मैरिनेट करना। ठीक है, अगर आपने चिकन मैरिनेट कर दिया, उसके बाद आपने वही चिकन लेना है, वही अंदर डालना है, उसको पका लेना है। कहने को हरा मसाला है, लेकिन ऑब्वियसली पकते पकते हरा जो है वो काला हो जाएगा, डजंट मैटर। बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपने इससे स्वाद और सिंपल चिकन अगर खाया होगा तो मैं सर मुंडवा लूंगा अपना, सच में। यह है चिकन, ये बेसिकली यहाँ पर मैंने लेग पीस लिया है, ये देखिए, ये थाई और ये ड्रमस्टिक, फिर से मैच नहीं होगा, एज यूजुअल मैं लेफ्ट का राइट के साथ कर रहा हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये थाई और ये ड्रमस्टिक। इसके बाद अपना ये जो फर्स्ट मैरिनेशन है, अदरक लहसुन और पीनट वाला, ये डाल दिया जी। और जैसा आप देख रहे हैं चंकी है, चंकी बने के पूरे नंबर, ये ठीक है जी। ये मैरिनेशन का मकसद क्या है, ये मैरिनेशन का मकसद ये है कि जो अदरक लहसुन है वो चिकन का फ्लेवर बराबर से खींच लेगा, जो नमक है दैट्स गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर, ठीक है। और जो मैंने आपने देखा कि अदरक बड़ा बड़ा काटा है, क्योंकि रेशे रखने, ये रेशे जो आ रहे हैं ना ये रखने हैं, ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं इस डिश की खूबसूरती क्या है। देखिए, इस डिश की खूबसूरती ये है कि इस डिश में है 7 इंग्रेडिएंट, यानी कि अगर हमारी उंगली, यानी कि हमारे हाथ में 7 उंगलियां होती तो हम ये कहते हैं कि इस डिश के इंग्रेडिएंट्स हम एक ही हाथ पे गिन सकते हैं, राइट? लेकिन फिलहाल डेढ़ हाथ पे गिन सकते हैं आप। सबसे पहले ये चिकन, जिंजर, गार्लिक, पीनट और भगवान भला करे हरी मिर्च, नींबू और उसके बाद धनिया, 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 एक मिनट। तो भैया धनिया हम ऑर्डर करना भूल गए हैं, इसलिए एक काम किया जाएगा, स्विगी पे जाया जाएगा, इंस्टामार्ट पे जाया जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे जाया जाएगा और धनिये पे जाया जाएगा। और 10 मिनट में धनिया जो है हमारे पास आ जाएगा।
तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप इतना बुलक्कड़ हैं तो एक काम करिए, सबसे पहले फ़ोन पे स्विगी ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टामार्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सुबह 6 से 12 बजे तक 4000 से ज़्यादा आइटम हैं और अपनी बेइज्जती होने से बचा लीजिए। सब बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। आ रहा होगा धनिया, तो एक काम करते हैं, अब तक धनिया आता है ये काम हमने अभी तक नहीं किया, धनिया की हिस्ट्री सुन लेते हैं, हमारे प्रिय मित्र से मिल लेते हैं। अब तक क्या है ना, सबको पता चल चुका है कि भाई देखिए, जो हमें लगता है हमारा है वो हमारा नहीं है, जो हमें लगता है हमारा नहीं है वही हमारा है, और जो हमारा नहीं है हमारा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उसको अपना बना लिया है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। तो जो धनिया है इसकी स्टोरी भी यही है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। ये लगभग 8000 साल पहले इजिप्ट में, नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न यूरोप में कहीं उग रहा था, वहाँ से यूरोप के रास्ते हिंदुस्तान बहुत जल्दी पहुँच गया, मतलब संस्कृत से पहले पहुँच गया। कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत में जिनमें संस्कृत नाम आज भी यूज़ नहीं होते, मुंडा नाम यूज़ होते हैं, संस्कृत से पहले के नाम यूज़ होते हैं। अदरक, हल्दी, हरिद्रा, अदरका, धनिया का, या कस्तुम्बरी, जैसे हम कोथम्बीर बोलते हैं, जैसे शब्द आता है, वो सारे शब्द जो हैं वो प्री संस्कृत वर्ड्स हैं। यानी कि धनिया हमारे पास बड़े टाइम से है, ओरिजिन शायद हमारी नहीं है, लेकिन उसको हमने जिस तरह से अपनाया है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और लोग हमें बोलते हैं कि हमने वेस्ट को कितना कुछ दिया, देखिए हमने वेस्ट को कार्डमम दिया, सिनमन दिया, ब्लैक पेपर दिया, हमने वेस्ट से दो बड़े इंपॉर्टेंट स्पाइसेस लिए हैं, एक धनिया और एक जीरा, और तीसरा जो है वो लाल मिर्च, तो आपको पता ही, मैंने कहा था ना आ गया ना। हेलो जी, थैंक यू वेरी मच। कहा था ना मैंने बनते बनते बन जाएगी डिश, कितना टाइम लगा? 10 मिनट सर। थैंक यू वेरी मच। पानी पियेंगे? नो सर, थैंक यू। पक्का? थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जी, अरे अमित मिश्रा जी, आप तो पहले भी आए हुए हैं, हमें तो नाम याद हो गया आपका। अमित जी, चिकन खाते हैं? नहीं सर। अच्छा, फिर तो कोई बात, फिर हम खा लेंगे, थैंक यू। और आपके स्क्रीन पे जो कूपन कोड है आई एम रणवीर, उसको इस्तेमाल कीजिए और 70 रुपये बचाइए अपने 199 रुपये के पहले ऑर्डर पर। देखो जी, दो बंडल धनिया हो गया, उसके अंदर हमने 1/4 कप डाल दिया पीनट टोस्टेड वाला, ठीक है, हल्का सा नमक क्योंकि नमक ऑलरेडी उसके अंदर है, थोड़ा सा तेल, तेल थोड़ा नहीं, तेल डाल दिए ठीक ठाक, क्योंकि इसी में भुनेगा ना, मतलब 1/4 कप तेल, मिर्च, हरी मिर्च, तीखी ना हो, ठीक है, फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, तीखापन ज़्यादा नहीं चाहिए। ये लीजिए, एक तीखी वाली डाल दी हमने, इसके बाद क्या है, मिक्सी का चक्कर लगवा के आते हैं। अगर आप 8वां इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहते हैं तो एक काम करिए, इसके अंदर ना वो क्या बोलते हैं उसको, दही डाल लीजिए, थोड़ा सा दही डाल लीजिए, मज़ा ना आए पैसा वापस, इतना जितना मैरिनेशन है इसके अंदर, आधा कप दही इज़ मोर देन इनफ, खटास भी दे देगा, रिचनेस भी दे देगा, गाढ़ापन भी दे देगा, सब काम कर देगा अपना। अब तो बहुत सिंपल है जी, अगर दही नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा नींबू रखिएगा स्टैंड बाय, आजकल थोड़ा नींबू का आपको पता ही है मामला थोड़ा गंभीर है, इसलिए दही का ऑप्शन दे दिया मैंने। एक्चुअली बात तो सही है, हम अपने 7वें इंग्रेडिएंट को नींबू को दही से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने सोचा नहीं, क्यों खर्चा बढ़ाएं भाई, जितने में 10 नींबू आएंगे उतने में इतना सारा दही आ जाएगा, है कि नहीं? देखिए, अगर नींबू सस्ते और अच्छे होते तो मैं नींबू यूज करता, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ना, पीनट, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, ये जो फ्लेवर प्रोफाइल है, ये फ्लेवर प्रोफाइल ताज़े नींबू के साथ ज़्यादा अच्छा जाता, लेकिन जैसे नींबू थे और जैसे मेरी मम्मी शक्ल बनाती हैं नींबू इस्तेमाल करने पे, उसको देख के मैंने दही इस्तेमाल करना बेहतर समझा। आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब सस्ते हो जाएं तब। चिकन किया मैरिनेट एक बार, दो बार, और फिर दही डाल दी उसमें, और भगवान का नाम लेके डाल दिया चिकन हांडी के अंदर। अगर आप वाकई ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं इस डिश के ज़रिए, तो क्या कहते हैं उसको, कच्चा पीनट ऑयल, वो डालिए आधा, और आधा आपको जो भी रिफाइंड ऑयल घी डालना है वो डालिए, तब आएगा असल मजा, कच्चा मूंगफली का तेल। देखिए, वक्त की दुविधा देखिए कि आप पंसारी के पास जाएंगे, बोलेंगे कच्चा मूंगफली का तेल आपको 20 रुपये की इतनी बड़ी बोतल दे देगा। अगर आप बड़ी किसी दुकान में जाएंगे कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल, तो आपको 200 रुपये की इतनी बोतल मिलेगी। चीज़ वही, आप सोच लीजिए हिंदी इस्तेमाल करनी कि अंग्रेजी। तो चाहे तो कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल डाल दीजिए, चाहे कच्चा मूंगफली का तेल। ये जो चिकन है इसकी ये टहला टहली जो है, अगर आप करना चाहें, मतलब ये जो हिलाना डुलाना कर रहा हूँ मैं, तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए और आराम से अपना
फेवरेट प्रोग्राम देख के आइए, वरना एक काम करिए वो अपना गाना सुन लीजिएगा। कैसी बातें करते हो, जो बताना है वो छुपाते हो, नहीं हो फिर भी दूर जाते हो। कैसी बातें करते हो, समझ गया ना, समझदार को इशारा काफी, नाम लेने की क्या जरूरत है। जख्म दिए थे चांद से अब भी डरते हो, पानी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। ब्यूटीफुल, नहीं नहीं सॉन्ग तो ब्यूटीफुल है ही, अपना चिकन देखिए कितना ब्यूटीफुल। और बेस्ट क्या है, वही मैरिनेशन है, वही ग्रेवी है, सब कुछ वही है। पानी ज़्यादा नहीं डाला मैंने, हाँ पानी सिर्फ इतना डाला कि चिकन जो है वो ढक जाए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रेवी जो है फट नहीं रही है, ग्रेवी का फटना बहुत ज़रूरी है, अगर कभी भी लगे कि ग्रेवी फट नहीं रही है मतलब मसाला और तेल अलग नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा तेल ऐसे ऊपर से डाल दीजिए और ढकना लगा दीजिए और देख के आइए वो गाना। कैसी बातें करते हो, हद करते हो, कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। नाइस, ओ मैं क्या जी, चिकन देखो, चिकन की धार देखो, रंग देखो, रोगन देखो, और ये देखो कि सिर्फ 7 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और ये भी देखो कि धनिया हमारे पास था ही नहीं। देखो जी इनसे मिलिए, ये हमारी जो प्लेट है ये आपसे कम से कम नहीं तो 30-40 रेसिपी में मुलाकात कर चुकी हैं, ये हमको हर बार दे दी जाती हैं क्योंकि हमको भले पसंद हो ना हो लेकिन टीम को बड़ी पसंद है। तो ये प्लेट जो है इसके पैसे वसूल हो चुके हैं 50-60 रेसिपी में, ये प्रॉबेबली 61वीं 62वीं रेसिपी है, बट कोई बात नहीं, मिल तो लिया आप प्लेट से। अगली बार जब भी आप इस प्लेट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे भाई ये तो वही है बस, और थोड़ा हो सकता है हमारी टीम वाले भी शर्म कर लें प्लेट दोबारा ना दे, ठीक है। और ये जितने हैं ये सब लोग बाद में एडिटर के पास बैठे थे, अरे वाला डायलॉग काट दो, अरे वाला डायलॉग काट दो, अरे उसमें ताना मारा है वो काट दो, यही चलता है बस, सब सेंसर बोर्ड बन जाते हैं। हमारी घरवाली तो अक्सर ही बैठी होती है एडिटर के पास, अरे वो मेरे बारे में वो बोला है वो हटाओ बस। देखो जी हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, बाकी रात की रोटी तो नहीं मिलनी आज, कोई बात नहीं, शाम की चाय भी हो सकता है ना मिले, पर खाना हंसते खेलते बनना चाहिए। टंगड़ी संभाल जट्टा उड़ी, नहीं टंगड़ी नहीं है पगड़ी संभाल रणवीर, मैं क्या बड़ा अच्छा हो गया, ये देखो कैसे मुस्कुरा रहा है चिकन, देखा आपने, पगड़ी संभाल जट्टा। अरे गाना एक्चुअली वो है, चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, उसको मैंने पंजाबी के साथ मिक्स कर दिया, फिर टंगड़ी के साथ मिक्स कर दिया, अब याद आया कि रणवीर एक्चुअल गाना तो वो है, चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे। चलो कोई नहीं, अब आपने तीनों वर्जन सुन लिए, देखिए प्याज व्याज कुछ नहीं है फिर भी ग्रेवी बढ़िया गाढ़ी हो गई ना, ये मज़ा है मूँगफली का, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए अभी चिल्ली ऑयल 8वां इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ लेकिन थोड़ा कलर वलर आ जाएगा ना, चिल्ली ऑयल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं बनाएंगे, अगर मूँगफली नहीं है तो बादाम, बादाम नहीं है तो काजू, रेसिपी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये जाते जाते एक भद्दा सा जोक मार रहा हूँ कि वेदर यू गेट पेड लाइक पीनट्स और वेदर यू गेट पेड लाइक आमंड्स मेक दिस डिश, ठीक है, अगर आप बादाम डालना चाहें बादाम डालें, पीनट्स डालना चाहें पीनट डालें, बनाइए ज़रूर, बड़ी सिंपल सी डिश है। हम पूरे महाराष्ट्र में ठेचे को सेलिब्रेट करते हैं, उसी से इंस्पायर्ड डिश है और बड़ी टेस्टी डिश है जी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़रूर करवाइए, थैंक यू।